हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? कंफर्म करो कोई। ठीक यस है, ये दो चीज़ें और कंफर्म कर देना, एक स्क्रीन और एक स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो और कंफर्म करना। मुझे बताओ, स्क्रीन पे मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? सर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो आपकी यूनिट 5 थी नॉइज़ पोल्यूशन, उसमें जो टॉपिक्स थे ना लास्ट के, वो वही सेम टॉपिक थे जो स्टार्टिंग में नॉइज़ पोल्यूशन में पढ़ा चुका हूँ कि कैसे कंट्रोल किया जाए बैरियर ट्रीज़, और क्या कहते हैं आपका, आप है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हो, आप मटेरियल में कोई इंसुलेशन लगा सकते हो, कोई गैप दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो चीज़ों की, मशीनों की आप सर्विस करा सकते हो। ये सब जो थे वही कंट्रोल सिस्टम दोबारा रिपीट हो रहा है उसमें, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया वहाँ पे। फिर यूनिट 4 पे हम आ जाते हैं। यूनिट 4 में जो आपके जो फर्स्ट टॉपिक थे वो था कि हम गैसेस पोल्यूटेंट को कैसे रिमूव करें, और उसके लिए हमारे पास चार मेथड थे, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कंडेंशन, कम्बंशन, वो मैंने बता चुका था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, उसके बाद चार पांच टॉपिक बचते हैं कि सल्फर ऑक्साइड को कैसे हम कंट्रोल करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कैसे हम कंट्रोल करें, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे कंट्रोल करें, हाइड्रोकार्बन को कैसे हम कंट्रोल करें। ये तीन चार टॉपिक हैं इसके। ये भी कराने के बाद, जैसे भी होंगे डाटा मिलेगा कराने के बाद, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो भी डाटा जैसे ही मिलता है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सल्फ़र ऑक्साइड के बारे में। सल्फ़र ऑक्साइड सबको पता है एक पॉल्यूटेंट गैस है। ठीक है, इसमें कंटेन क्या है आपका इस प्रेजेंटेशन में, इंट्रोडक्शन है, सोर्स ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड, मेन जो टॉपिक है आपका फोर्थ यूनिट में वो है कंट्रोल ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड। ठीक है, ये हम जल्दी जल्दी से बस रिव्यू करेंगे जिससे हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि जब कंट्रोल ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड पढ़ेंगे हम तो उसके उसमें हमें सल्फ़र ऑक्साइड का पता होना चाहिए, तभी हम पाएंगे। कंट्रोल भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन है, सोर्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ें इसमें काम की नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर ऑक्साइड, कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल, एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं। ठीक है, कोल कम्बंशन, सल्फर कोल फॉर्मेशन, सल्फर ऑक्साइड एज एन एयर पोलूटेंट, कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड, तो ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कह रहा है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड ए केमिकल कंपाउंड विद ए फॉर्मूला ऑफ SO2 आर कॉमनली पोलूटेंट इन द एयर। मतलब जो सल्फर ऑक्साइड का जो सबसे कॉमन कंपाउंड है SO2, सबसे कॉमनली पाया जाता है एयर में एज ए पोलूटेंट, एंड SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आप जैसे ये कह रहा है कि SO2 प्रोड्यूस हो रहा है वॉल्केनिक एक्टिविटी से, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर भी है ना हीट का काम हो रहा है, कोई चीज़ कम्बस्ट हो रही है, वहाँ पर आपका SO2 जनरेट हो सकता है, एक अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता चला है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी में हमारा, जब वॉल्केनो में मोल्टन रावा इरप्ट होता है तो वहाँ पे SO2 हमारा जनरेट होता है। सिंस कोल एंड पेट्रोलियम, इसी इसलिए ये कह रहा है कि वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये जनरेट होता है। सिंस कोल एंड पेट्रोलियम ऑफन कंटेन सल्फर कंपाउंड, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल है उनको बर्न करते हैं तब भी हमारा SO2 जनरेट होता है। देयर कंबेंशन जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं सल्फर ऑक्साइड को कैसे रिमूव करो। सल्फर ऑक्साइड के केमिकल कंपाउंड होते हैं अलग अलग पोलूटेंट्स, SO2 हो गया, SO3 हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये क्या कंपाउंड है। अब कौन सा कंपाउंड किस तरह से जनरेट होता है और उसको किस तरह से कौन से मेथड से रिमूव करेंगे, यही हमें डिस्कस करना है। तो ये कह रहा है कि कोल और पेट्रोलियम में जो हमारा जनरेट होता है उसकी कंबंशन से वो SO2 होता है। ठीक है, यूजल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट सच एज NO2 फ्रॉम H2SO4 एंड दस
एसिड है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हमारा कोल और पेट्रोलियम के कंबंशन से जो SO2 जनरेट हो रहा है, वो बाद में क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब कोई कंपाउंड हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई एलिमेंट बनाता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इन दी प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि हमारा NO2 प्रेजेंस है एयर में, तो NO2 क्या किस चीज़ का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट किसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को रेट को फास्ट कर देता है। तो NO2 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। ये H2SO4 क्या होता है, H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन बोलते हैं, तो आपका H2SO4 ही उसमें होता है। ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, 90% आपका वाटर एंड CO2 होता है, केवल SO2 कंटेंट कितना होता है, 1 to 10%, ठीक है। अब आता है इसमें सल्फर कंपाउंड फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो सल्फर के कंपाउंड है, SO2, SO3, H2SO4, ये जो कंपाउंड है, जो समुद्र में आपको कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पर भी ये जनरेट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी का नाम क्या, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है सबसे नीचे फिटोप्लैंकटन, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, फिटोप्लैंकटन नहीं होता, ये होता है, इस मतलब प्रनाउंस तो ऐसे ही करेंगे लेकिन इसकी स्पेलिंग ऐसे नहीं होती, PHY होता है फिटो, ठीक है, FI की जगह पर क्या होगा, PHY, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पहले तो आप ये समझ गए ना कि आपका वोल्केनिक एक्टिविटी में इतने परसेंट ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरा ये कह रहा है कि जो सल्फर कंपाउंड है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से भी जनरेट होता है, तो इसमें लिखा हुआ है CH3SH3, ये क्या है आपका, डाईमिथाइल सल्फाइड। H2S क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। CS2 क्या है आपका, कार्बन डाइसल्फाइड। और आपका COS क्या है, कार्बोनाइल सल्फाइड। ये सारे जो कंपाउंड हैं विल बी ऑक्सीडाइज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सल्फर इमिस इन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ डाईमिथाइल सल्फाइड फ्रॉम द ओशन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ फिटो प्लैंकटन। अब ये फिटो प्लैंकटन क्या होता है, आ जाए एक शब्द तो इसको ध्यान रखना, फिटो प्लैंकटन एक कंपाउंड है, ऑटोट्रॉपिक कंपाउंड है जो प्लैंकटन कम्युनिटी का है, या इसको ऐसे समझो कि जो हमारे माइक्रो माइक्रो जीव है ना, माइक्रोस्कोपिक जीव है, स्मॉल फिश है, वो खाती क्या है, वो क्या खाती है, समुद्र के पानी में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे है ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ये फ्लैंक फिटो प्लैंकटन मतलब जो खाई होती है, खाई समझो ना, वैसी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनको फीडिंग के लिए जनरेट होती है समुद्र में या फ्रेश वाटर में। तो जब वो जनरेट होती है तब भी हमारा सल्फर के कुछ कंपाउंड जनरेट होते हैं, ठीक है। इसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो बोलते हैं हम कि ऑटोट्रॉपिक कंपाउंड ऑफ प्लैंकटन कम्युनिटी फीडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉल फिशिंग। नेक्स्ट है आपका, ये तो नेचुरल आपने फिनोमिना देख लिए कि जहाँ पर हमारा सल्फर के कंपाउंड जनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है जहाँ पे हमारा ये चीज़ें जनरेट होती हैं, सल्फर के कंपाउंड जनरेट होते हैं। एटमॉस्फेरिक सल्फर कंटेन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक अभी मैंने बताया क्या होता है, वो इफेक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यही इसकी मीनिंग है, ओरिजिन। मेन सोर्स क्या होता है, कंबेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सल्फर कंटेन ऑफ कोल एंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मेनली ऑर्गेनिक होता है, और कोल में क्या होता है, पाइराइटिक रिमूवल बाय फिजिकल मेथड, यानी कि जो क्रूड ऑयल में जो आपका सल्फर के कंपाउंड होते हैं कैन बी रिमूव बाय सिंपल टेक्नोलॉजी, लेकिन कोल में जो होते हैं उनको एक फिजिकल मेथड और रिमूव बाय फिजिकल मेथड, नो डीके एट द कंबेशन टेम्परेचर SO2, ठीक है। सिंपल ये कह रहा है कि क्रूड ऑयल के कंबेशन से जो कंपाउंड जनरेट होते हैं हमारे सल्फर के, उनको हम इजीली किसी सिंपल मेथड से रिमूव कर सकते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, सल्फाइड
और जो कोल है उसमें कौन से होते हैं, FeS, CsO4, ये इनको रिमूव किया जाता है फिजिकल मेथड से। ठीक है, सिंपल सी ये बात कह रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी स्मेल्टर ऑपरेशन परफॉर्म द बिल्डर, ये कह रहे हैं। स्मेल्टर ऑपरेशन क्या होते हैं? स्मेल्टर ऑपरेशन वो होते हैं जहाँ पे किसी मेटल चीज़ को ना मेल्ट किया जाता है। होती है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आपने देखा होगा टीवी में, डिस्कवरी पे, यूट्यूब पे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आयरन पीस जो होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है, फिर उनकी शेप चेंज की जाती है। तो ऐसे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है, सल्फर के कंपाउंड जनरेट होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी इंडस्ट्री को हम सिटी से कहीं दूर एरिया में हम इसको बिल्ड करें तो इसका एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, बट क्या है कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कंपाउंड या सल्फर ऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है ना वो ग्लोबली है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिटी में है और यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं, ग्लोबली फैला हुआ है वो। तो इसका एक ये सॉल्यूशन नहीं है। अब आती है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। ये सब हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि जब हम इसके कंट्रोल को पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड की क्या है, कलरलेस है। ठीक है, इरिटेटिंग ओडोर है, 0 to 37 ppm इसका थ्रेशोल्ड है, सोलूबल इन वाटर है, नेचुरल बैकग्राउंड 1 ppm है, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है हाई रिएक्टिव शॉर्ट लाइफ टाइम इन एटमोसफेयर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन विथ वाटर। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है SO2 की और SO3 की, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलबिलिटी इन वाटर एंड कन्वर्जन फैक्टर। तब यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, डायरेक्ट एमिशन इज मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, ओनली सम परसेंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब जितनी भी ये आपको बताए गए हैं अभी, ह्यूमन एक्टिविटी हो या नेचुरल फिनोमिना हो, उसमें जो आपका जनरेट होता है मेनली सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, या फिर डायरेक्टली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट होता है इनमें से किसी एक्टिविटी में वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, मेनली जो जनरेट होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, जो डायग्राम है, मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड 1997, फ्यूल कंबशन से, ये जो आपका फ्यूल कंबशन है कितना है आपका, 85%, इससे होता है आपका सल्फर कंपाउंड जनरेट। इंडस्ट्रियल से होता है 8% और आपका ट्रांसपोर्टेशन से होता है 7%। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन मेन कंपाउंड है जिनको हमें कंट्रोल करना है। वैसे ये तीन द मेजर सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड आर शोन इन फिगर। ठीक है, ये समझ लिया हमने। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्लियरली प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जनरेशन के इलेक्ट्रिक पावर के लिए एक मेन रीज़न है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज नॉन फेरस मेटल मेल्टिंग एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। इट इज़ फॉर्म प्राइमरी ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल वेस्ट। ये भी डिस्कस हो चुका है, ये भी हो चुका है। वंस रिलीज टू एटमोस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके हमारा H2SO4 बनता है, उसके जब रेन होती है फिर वो पानी के साथ हमारा अर्थ की सरफेस पे आता है जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, और ये बहुत चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादातर ये है ना कोटिंग, जो सेफ्टी कोटिंग होती है, भले ही वो प्लांट्स की हो, भले ही वो आपके ऑब्जेक्ट की हो, भले ही वो किसी मार्बल की हो, किसी भी हर चीज़ के ऊपर ना एक कोटिंग होती है पतली सी जो उसको एटमोसफेयर से बचाती है, भले ही वो प्लांट हो, हमारे ऊपर स्किन हो या किसी मेटल हो, मार्बल हो। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर होती है, तो
तो उस चीज को जो रिमूव करता है, उस चीज को जो खराब करता है, वो होता है आपका H2SO4, जिसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। इससे मार्बल का कलर भी चेंज हो जाता है, प्लांट्स का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये H2SO4 से होता है। जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वो NO2 के साथ मिलके पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर NO2 के साथ मिलके हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और फिर वो रेन के साथ नीचे आपका आ जाता है। सम ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन हाई टेम्परेचर प्रोसेस ऑक्सीडाइज टू सिमिलर टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कह रहा है कुछ सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमारे क्या बना देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो उससे भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। कैरेक्टरिस्टिक टू, बिलो 500 to 600 फ़ारेनहाइट मोस्ट ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो वाटर के साथ अट्रैक्ट होते हैं, उसके रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो 500 to 600 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जो आपका है ना, ये जो प्लांट्स होते हैं बैटरीज मैन्युफैक्चर के, वहाँ पर भी रिलीज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड सल्फ्यूरिक एसिड वेपर मॉडरेट कंसंट्रेशन 2 to 8 ppm इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रो प्रिसिपिटेटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑन पार्टिकल सरफेस एंड क्रिएट मॉडरेट। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसको समझना। ये क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड वेपर्स इन मॉडरेट कंसंट्रेशन टू 2 to 8 ppm इज वेरी बेनिफिशियल टू इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर हमने बताया था जब हम पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट को रिमूव करने की टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में एक आ रहा था ESP, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर। उसमें क्या होता है, फिल्टर डिवाइस है जिसमें हम है ना फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करते थे लाइक डस्ट एंड स्मोक। वहाँ पे चार्ज होते थे पार्टिकल और फिर वो अट्रैक्ट होते थे। उसी चीज़ में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड वेपर की कंसंट्रेशन 2 to 8 ppm अगर हम उसमें ऐड कर दें, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो आपकी कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। हाई कंसेंट्रेशन कैन बी डिटरमेंटल टू प्रसिपिटेट परफॉर्मेंस। हाई सल्फ्यूरिक एसिड लेवल कैन ऑल्सो कॉज कोरोजन प्रॉब्लम। जो भी बताया हमने, कोरोजन प्रॉब्लम और प्रसिपिटेट फाइबर, फैब्रिक फिल्टर एंड अदर कंट्रोल डिवाइस। अगर सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पर ज़्यादा जनरेट हो रहा है या हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया इसमें, क्या कहते हैं, ESP में, तो क्या होगा, जो उसकी जो ESP डिवाइस की जो सरफेस है ना, वो उसको ख़राब करना शुरू कर देगा। या आपकी डक्टिंग है, आप डक्टिंग के मतलब कोई इंडस्ट्री है और वहाँ पे पोल्यूटेंट को आप निकाल रहे हैं बाहर की ओर किसी डक्टिंग के जरिए से, तो क्या होगा, उस डक्टिंग की सरफेस को भी वो ख़राब कर सकता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में है तो। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस कैन कीप द ड्यू पॉइंट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि बर्निंग ऑफ एलिमेंट्री ऑफ सल्फर ऑक्सीजन एटम स्टार्ट रिएक्ट ट्रांसजन कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो SO2, एलिमेंट्री सल्फर क्या होता है, प्योर सल्फर एलिमेंट जो होता है एस, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ आपका मिलके क्या बन रहा है, SO बन रहा है, फिर दोबारा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके ये SO2 बन रहा है। इसी तरह फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे हमारे ये कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिके हो रहा होता है तो हमारे ये वाले कंपाउंड जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे कंट्रोल पे चलते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 की बात हो रही है, 482 डिग्री पर वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में अंडर द ड्यू पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर मटेरियल। यहाँ पे देखो इस डायग्राम को समझ लेते हैं बस, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, SO3 कंसनट्रेशन इन PPM, और यहाँ पे H2O की परसेंटेज दी हुई है। अगर 5% HO2 है तो देखो इसका इंक्रीमेंट इस तरीके से होता है, 10% है तो 25% है, 25% पे ज़्यादा इसका इंक्रीमेंट हो रहा है SO2 की कंसंट्रेशन का।
यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया आपको कैटलिस्ट ट्रांसफॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, फिर वो रेन के साथ नीचे आता है जिसको एसिडिक रेन हम कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और केमिकली इसको बताया गया है, इसको भी समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जो भी पता है वो ये है कि कैसे कि, अभी तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि SO2 क्या होता है, एटमोस्फेरिक में जो पानी है उससे रिएक्ट करके और कैटलिस्ट से रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है सल्फ्यूरिक। यहाँ आपने इस केमिस्ट्री फॉर्म में रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है पूरा उसी प्रोसेस को, आप इसको देख लेना। जैसे O3 लाइट के साथ मिलके O2 बनाता है, फिर O ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलके 2 है OH, फिर ये OH प्लस H2 मिलके SH43 बनाता है, इसी तरह से हमारा फिर लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये भी आपको पता ही होगा किस तरह से एसिड रेन होती है, इंडस्ट्री से आपका SO2 NO2 निकल रहा है और ये एटमॉस्फेयर मिलके फिर SO3 रेन के साथ वापस नीचे आ रहा है। इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन, pH ऑफ द रेन एडजस्ट ऑफ रेट ऑफ द नेचुरल एसिडिक बेस। देखो वैसे ही बताया तो मैं जनरली क्या होता है जब इफेक्ट्स होते हैं एसिड रेन के क्या होते हैं, एक तो मैंने बताया कि कोटिंग होती है, हर चीज़ के ऊपर एक कोटिंग होती है जो उसको एटमॉस्फेयर से बचाती है। ट्रीज़ के लीव्स के ऊपर भी होती है, हमारे हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर होती है एक लेयर जो उसको एटमॉस्फेयर से बचाती है। तो सबसे पहला काम क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको नष्ट करता है। उसको नष्ट करने के बाद है ना जो उसकी जो सरफेस है वो इरोड होने लग जाती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा सुना होगा कि मार्बल जो होता है उसका कलर चेंज होने लग जाता है। पीएच वैल्यू हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है पानी की, और क्या कहते हैं जो आपका 60-70% सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड से ही हमारा जनरेट होता है। ठीक है, जो प्लांट्स के बारे में बताया मैंने वो है ये नेचुरल वाटर में कैसे हमारा पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड डलता है उसमें। कुछ यहाँ एग्जांपल दिखाएंगे कि 1998 में ये आपका देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये कोई मटेरियल है, और 1969 में इसकी क्या हालत हो गई ड्यू टू एसिडिक रेन। कोल कम्बशन के बारे में, कोल कम्बशन जब होता है तो तब कैसे हमारा SO2 जनरेट होता है। ये हमारे पोलूटेंट हैं, हमें केवल SOx की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो यूनिट 4 है बस ये चार चीज़ें पूछी गई हैं यूनिट 4 में, ये चार चीज़ें CO2 CO NOx और SOx। ठीक है, हर एक लेक्चर में एक कंप्लीट होता जाएगा तो चार लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगी, हो सकता है दो लेक्चर लग जाएं किसी में। आज हमारी बात चल रही है SOx की, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन भी होगा और उसके बाद उसका कंट्रोल होंगे। ठीक है, तो अब इसके हम कंट्रोल पे आते हैं। कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड रिमूवल आर लार्ज एंड सफोस्केटेड। सल्फर डाइऑक्साइड इज कंट्रोल्ड बाय 3 डिफरेंट टेक्निक, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड यूज ऑफ लो सल्फर ऑक्साइड। मैंने आपको चार टेक्निक बताई थी कि गैसेस पोल्यूटेंट को रिमूव करने की, उसमें से दो जो हैं वो यूज़ होती हैं आपका सल्फर ऑक्साइड को, लेकिन जो एक और टेक्निक बता रहा है वो टेक्निक वही है कि आपका लो सल्फर जो फ्यूसाइल हैं, ऐसे फ्यूल्स हैं जिनमें आपका जिनके कंबशन से सल्फर ऑक्साइड या सल्फर का कोई कंपाउंड जनरेट होता है, तो उसको लो यूज़ करो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की टेक्निक, ये तो टेक्निक हो गई, और एक होता है कि हमें रिमूव करना है तो उसके लिए आपके पास दो टेक्निक हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, द कंट्रोल सिस्टम यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूजुअली नॉट डिजाइन टू रिमूव सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं बनाया जाता, ना इंस्टॉल किया जाता है जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लो होती है, और अगर उसको भी हम रिमूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस लगाएंगे तो इज नॉट इकोनॉमिकल फिजिबल। द सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन यूजुअली बिलो लेवल वेयर इज नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। तो फर्स्ट टेक्निक है आपकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कोई ऐसा एलिमेंट, कोई फ्लूड, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गैस जो आपका
जो आप जिस गैस में से आप सल्फर के कंपाउंड को निकालना चाहते हो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। तो ये क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड सोलबल हो जाएगा, उसको बाद में इसको रिमूव कर देंगे गैस स्ट्रीम में से। तो वन सल्फर इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन फुल सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज टू फॉर्म इनऑर्गेनिक सल्फिटेंट एंड सल्फेट। ये कह रहा है कि जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन में तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, फिर बाद में सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर हमारा इनऑर्गेनिक SO3 एंड सल्फेट्स बनाता है। सो द प्रोसेस प्रिवेंट टू डिसॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड एंड डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन बीइंग रिमिटेड। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर लाइम स्टोन यूज़ किया जाता है एज ए एब्जॉर्बर इस टेक्निक में। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाली, लाइम स्टोन CaCO3, ठीक है, वेट स्क्रबर की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक डायग्राम है, इसको आप समझ लेना बाद में, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ होता क्या है। जैसे कि अभी बताया कि लाइम स्टोन आपको यूज़ किया जाता है एज ए एब्जॉर्बर, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, एक चैम्बर होगा, उस चैम्बर में क्या होगा, आपका एक तरफ से गैस इन होगी, ठीक है, और जो लाइम स्टोन है उसका भी एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा। एक सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको स्प्रे किया जाएगा, जहाँ पर वो स्प्रे हो रहा होगा वहाँ से आपकी गैस फ्लो हो रही होगी, या जब गैस फ्लो हो रही होगी उसमें से जो NO2 SO2 होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी को बार बार आप रिसर्कुलेट करते जाओगे जब तक उसकी कंसेंट्रेशन कम ना हो जाए SO2 कंपाउंड की SO2 ही हम इसे रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसकी जो इफ़िशेंसी है, मतलब कि जितनी बार आप रिसर्कुलेट करोगे, जितनी बार उसको लाइमस्टोन के स्प्रे से गुजारोगे, उतना ही ज़्यादा SO2 आपका निकलता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब डिपेंड करता है इस डिवाइस को कितना बड़ा बनाना है आपको, कि आपको कितना इफ़िशेंसी और कंसनट्रेशन को रिमूव करना है वहाँ से, ठीक है। वही चीज़ बताई हुई, सब पंप लगे हुए रिसर्कुलेट के लिए। सबसे पहले क्या होगा, एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा CaCO3 का, फिर उसको स्प्रे किया जाएगा एक टैंक में, उस टैंक में जब वो स्प्रे हो रहा होगा तो वहीं से आपकी गैस इन और आउट हो रही होगी, और फिर पंप उसको खींच रहे होंगे, फिर वो रिसर्कुलेट हो रहेगी। दूसरा हो सकता है कि उसी टैंक में दोबारा रिसर्कुलेट हो सकता है एक और टैंक को रिसर्कुलेट करने के लिए। तो ये इसका एक रफ सा आपका फ्लो चार्ट है। Limestone is alkali most often used to react with dissolved sulfur dioxide. Limestone slurry is spread into the वही जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ बता रहा है। द केमिकल रिएक्शन रिसर्कुलेटिंग लाइमस्टोन स्लरी एंड रिएक्शन प्रोडक्ट मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिजायर्ड सल्फर डाइऑक्साइड रिमूवल इफिशियंसी। वेट स्क्रबर यूज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल। वेट स्क्रबर यूज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल यूजली ऑपरेट लिक्विड pH लेवल बिटवीन, मतलब यानी कि इस वाले स्क्रबर में वो यूज़ कर रहा है कोई ऐसा लिक्विड जिसका pH स्केल जो आपका लेवल जो है 5 to 9 हो, हाई एफिशिएंसी के लिए। टिपिकली रिमूवल एफिशिएंसी वेट स्क्रबर की 80 to 95% इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। द वेट स्क्रबर वेसल डू नॉट एफिशिएंटली रिमूव पर्टिकुलेट मैटर स्मॉलर देन 5 micrometer। इन द केस ऑफ लो एफिशिएंसी पर्टिकुलेट वी स्क्रबर वेट स्क्रबर पर्टिकुलेट रिमूव एफिशिएंसी इंक्रीज द विथ पर्टिकुलर। ये जो बात हो रही है ना यहाँ पे पर्टिकुलेट की बात हो रही है यहाँ पे वेट स्क्रबर की, कुछ इस तरह के डिवाइस है। देखो सभी में क्या करना है, आपको दो चीज़ें बताई गई हैं, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन, ठीक है, वही टेक्निक यूज़ करनी है। अब कैसा आप डिवाइस कैसे बनाओगे, उसमें कोई पंप होगा जो गैस को खींचेगा, ठीक है, एक टैंक होगा जिसमें आपको उस एब्जॉर्बर का स्प्रे करना होगा, तो वही सारी टेक्निक है, अलग अलग आप एब्जॉर्बर यूज़ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। ड्राई स्क्रबर है, अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज कॉल्ड स्प्रे और ऑटोमाइजर ड्राई स्क्रबर विच बिलोंग्स ग्रुप ऑफ स्क्रबर कॉल्ड स्प्रे ड्राई। इन द केस ऑफ एल्कलाइन स्लरी स्प्रे इनटू द हॉट गैस स्ट्रीम द पॉइंट ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्रोल डिवाइस द स्लरी ड्रॉपलेट आर इवेपोरेटेड सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इनटू द ड्रॉपलेट एंड रिएक्शन विद सस्पेंडेड एल्कलाइन। वही चीज है सारी इसमें। उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन की टेक्निक है ना वही सारी है, बार बार रिपीट की गई है वही चीज़ें। इसको ऐसे मतलब समझ लेना कि एब्जॉर्बर एक ऐसा लिक्विड जो एब्जॉर्ब कर रहा है SO2 को, और उसको स्प्रे करके उसमें से गैस फॉलो की जा रही है, बस इतना है इसको समझना।
फिर आता है एडजॉर्प्शन. सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी कलेक्ट बाय एडजॉर्प्शन सिस्टम. इन दिस टाइप कंट्रोल इट ड्राई एल्कलाइन पाउडर इंजेक्टेड इनटू द गैस स्ट्रीम. ठीक है, ये कह रहा है एक क्या ड्राई एल्कलाइन पाउडर इंजेक्टेड इनटू द गैस स्ट्रीम क्या होता है. फिर सल्फर डाइऑक्साइड एडजॉर्ब टू द सर्फेस ऑफ द एल्कलाइन पार्टिकल्स एंड रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड टू कंपेयर टू द गैस स्ट्रीम. हाइड्रेटेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्टली यूज. इसमें यूज किया जाता है, उसमें क्या यूज किया जाता है, लाइम स्टोन. इसमें यूज किया जा रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ए वराइटी ऑफ एल्कलीज कैन बी यूज. ए फ्लो चार्ट ऑफ ड्राई इंजेक्शन टाइप ऑफ स्क्रब एंड सो ऑन. फिगर ड्राई इंजेक्शन, इसको हम समझ लेते हैं. देखो इसमें एक टैंक है जिसमें आपका इंजेक्ट किया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई और एडजॉर्बर. ठीक है, और वहाँ से आपको गैस स्ट्रीम फ्लो हो रही है और इसी चीज़ को क्या किया जाता है आपका बार बार रिसर्कुलेट किया जाता है. और फिर दूसरे एंड से आपकी जो गैस निकलती है उसमें SO2 की कंसंट्रेशन कम होती है क्योंकि वो एल्कल जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा उसकी जो क्योंकि ड्राई एक पाउडर की फॉर्म में है उसकी जो सरफेस होगा उस पर आपका एक कलेक्ट हो जाएगा SO2. ठीक है, और वो दूसरी जगह से निकलता जाएगा. अब ये जो आप ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जैसे इंडस्ट्री में हम कोई डिवाइस सेटअप करते हैं उस हिसाब से, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो चाहिए, उसको भी जनरेट करना है. उसको भी कैसे जनरेट करना है, कैसे बनाना है, उसका सिस्टम लगा हुआ है. फिर एक सिस्टम लगा हुआ है जो SO2 को रिमूव कर रहा है, एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें से आपकी क्लीन एयर निकल रही है, एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें से आपकी पोल्यूटेंट जो मटेरियल जो लास्ट टाइम बचा हुआ है वो आपका निकल रहा है. बस इसमें इतना ही है. और अगर एग्ज़ाम में आता है आपका क्वेश्चन कि कंट्रोल हाउ टू कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड, तो आपको लिखना होगा, एक तो ये लिखना होगा कि तीन टेक्निक है हमारे पास. ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड यूज़ ऑफ लो सल्फर फ्यूल. तो आपका इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि लो सल्फर फ्यूल्स कैसे कम यूज़ कर सकते हैं. जितने मार्क्स का उस हिसाब से लिखना. फिर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पहले तो लिखना कि होती क्या है चीज़ें दोनों. फिर उसके बाद लिखना है कि इसमें कौन सा एब्जॉर्बर और एडजॉर्प्शन, इसमें लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड अभी जो बताया था भूल गया वो यूज़ किया जाता है. पहले तो इन दोनों को इन सबको डिफाइन करना. ठीक है, डिफाइन करने का थोड़ा सा डिफाइन करना सल्फर ऑक्साइड्स को. उसके बाद आप ये टेक्निक इतना लिखना और उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना देना रफली थोड़ा सा. बस तो आपका ये हो जाएगा. नेक्स्ट में जो नेक्स्ट क्लास में जो होगा यार वो तो मैं कर देता हूं.